so this is dr anurag a passionate upsc mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring past 11 months in online mentoring upon the unacademy platform in upsc i have appeared twice for the personality test four attempts four mains two bar personality test 2007 i missed by two marks the final selection in upsc final list i was there in the upsc reserve list

एंड मैं एडवाइस करूंगा डाउनोडमी लर्निंग एप सब्सक्राइब इधर अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म प्लस डेली लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल गोइंग टू गेट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री यू कैन अनलॉक एज मैनी बैच कोर्सेज एज पॉसिबल आईकनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पर्सनल कोचिंग पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस expert guidelines study material study planner and daily means answer writing practice and daily doubt clarification plus and iconic ke plans dek 1 year 2 year 3 year plans you can pay this amounts in emis as well and use referral code anurag to get a 10% off upon the prices and also get my notes booklets and पीडीएफ अपन आई ऑल्सो गेट माई नोट्स बुक लेट एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनसी आर्टिकल और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ एंड दिस इज द सेकेंड सेशन एज ऑल ऑफ यू नो फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हो चुका है सिक्स फिफ्टीन पर सुबह में न्यूज एनालिसिस हो चुका है ये आर्टिकल्स एडिटोरियल के लिए सेकेंड सेशन अलग से स्पेशल सेशन इन शॉर्ट द डेली न्यूज इज बी कवर्ड इन टू सेशन वन इज द न्यूज वन इज द आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल तो ये देखिए स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन में आप ये देखिए एवरी वीक न्यू बैचेज आर कमिंग अपस जून को नए बैचेज आए हैं एवरी विडनेसडे वन ईयर टू ईयर फिजिक्स रिविजन एंड एनसीआरटी बैच कोर्सेज ऑल्सो देर इज फ्री टेस्ट सीरीज फॉर एवरी वन फर्स्ट जून से स्टार्ट हुआ है पाथ फाइंडर राइज एंड वर्ल्ड अफेयर्स use referral code anurag to unlock this and uh, solve it and also there is an academic combat scholarship test every sunday 11 a.m test in hindi and english unlock it using the referral code anurag and participate to win scholarships including subscriptions you <coughs> can or uh, स्टूडेंट्स ये देखिए बिफोर प्रोसीडिंग एट रिपोर्ट एंड विन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर टू क्लेम योर प्राइस रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रियट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का रेडी एंड टेल मी स्टूडेंट्स सो दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अनुराग आई एम एस इज द प्रोफाइल लिंक अपॉन द अन अकेडमी ऐप एंड डेली शाम को सात बजे फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं अभी चल रहे हैं ज्योग्राफी के स्पेशल क्लासेस कल ही क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हुआ है आई होप यू आर एंजॉइंग द फिजिकल ज्योग्राफी सेशन ठीक है तो आइए स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड आज देखते हैं क्या है एक जुलाई का आज दिन है डी कोड जिस क्या कहते हैं आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल में से हम का से निकालेंगे, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस एंड द फिनेशियल एक्सप्रेस कंबाइन करके सबसे बेस्ट तीन चार आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे एवरीडे तो आइए देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल ठीक है सबसे पहला आर्टिकल लोकेशन नो बार ओके वन नेशन वन राशन कार्ड देखिए जैसे ही आर्टिकल या एडिटोरियल या ओपिनियन या कमेंट आता है ठीक है एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में या एक बड़ा सा आर्टिकल आता है यू मस्ट नो वट टू एक्सट्रैक्ट हमें पूरा आर्टिकल पढ़ हमें पूरा आर्टिकल पढ़कर हमें पता रहना चाहिए वट फोर पॉइंट कैन बी एक्सट्रैक्ट अब वन नेशन वन राशन कार्ड पे ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो गया दिस आर्टिकल केम अप इन द इंडियन एक्सप्रेस टूडे इंडियन एक्सप्रेस टूडे देखिए ठीक है अब ये आर्टिकल पढ़ते ही आपको लगेगा सर ये रिपीट हो रहा है हर जगह यस रिपीट है यहां पे लेकिन जो मैंने शेड किया है इसको मैंने अगले पन्ने पे एक्सपेंड किया है बहुत अच्छा आर्टिकल है शोइंग द इश्यूज टू बी टैकल्ड अच्छा ये सवाल आ सकता है यस इश्यूज टू बी टैकल्ड इन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट जन्मी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या क्या समस्याएं निकल सकती हैं सबके लिए यस yes. एक जगह पे पुट कर दिया गया पांच समस्याएं लेट्स सी वेरी गुड आर्टिकल ठीक है द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ध्यान दीजिएगा दैट सिटीजन शुड बी एबल टू अवेल ऑफ देयर एंटाइटलमेंट राशन में जितना उनका अधिकार है दे शुड बी एबल टू अवेल इक्टिव ऑफ वेयर देर एस साइड क्या यही एम है ना ज द एम ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड कहीं से भी उन्हें मिल जाए अपने जो क्या कहते हैं राइट्स हैं अनाज को लेकर दे दे शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इन दिस फ्रेमवर्क माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स पे स्पेशल फोकस यस दे शुड हैव एक्सेस टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन डू यू एग्री माइग्रेंट वर्कर्स तो इसी पे ये आर्टिकल कह रहा है कि इतना भी आसान नहीं है सब कुछ ठीक है कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट आउट करनी जरूरी है पहला प्रॉब्लम ये देखिए देर आर सेवरल इश्यूज दैट रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ये देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग टू सच एन आर्किटेक्चर यानी वन नेशन वन राशन कार्ड पे आने में वन नीड्स द कंट्री नीड्स टू द कंट्री नीड्स अ कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन एग्री कर रहे हैं इन द कंट्री देश में कौन का, कौन सा वर्कर कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है क्या हमें रियल डेटाबेस चाहिए रियल टाइम डेटाबेस ये देखिए यही तो कोर्ट भी कह रहा है रियल टाइम डेटाबेस मैनेज करना पड़ेगा दिस इज द नीड ऑफ द आर ये देखिए इसे बिना टैकल किए आप वन नेशन वन राशन कार्ड को सफल नहीं बना सकते आई होप यू एग्री विद मी आउट हेयर सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम टू बी सॉर्टेड आउट आइए देखते हैं माइग्रेशन mig, जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वो शिफ्ट करते हैं छ महीने के लिए शहरों में वापस आते हैं घर पे छह महीने के लिए इन शॉर्ट द सीजनल फ्लक्चुएशन इन माइग्रेशन क्या ये इंपैक्ट करेगा फूड डिमांड के ऊपर क्या ये इंपैक्ट करेगा राशन डिमांड के ऊपर ये देखिए उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल, यानी इसमें रिसर्च चाहिए ठीक है एग्री कर रहे हैं रिसर्च चाहिए अब मान लीजिए किसी स्टेट को दे दिया गया एलोकेशन, किसी राशन दुकान को दे दिया गया वहां ज्यादा हो गया कम लोग आए लेने के लिए ठीक है जबकि कहीं पे कम हो गया ज्यादा लोग आगे लेने के लिए आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड रिसर्च ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड अपॉन फ्लक्स इन द सीजन ये देखिए सेकेंड पॉइंट आप बोलेगा सर ये माइग्रेंट डेटा बेस क्यों चाहिए जब वन नेशन वन राशन कार्ड है तो स्टूडेंट्स क्या आप डोंट यू थिंक दैट ट्रांसपेरेंसी एक कोर पॉइंट होता है गवर्नेंस में क्या वन नेशन वन राशन कार्ड में एक राशन कार्ड सॉल्व कर देगा सारा प्रॉब्लम क्या डोंट यू थिंक देर माइट बी इश्यूज ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड कमिंग अप हमें एक रियल टाइम डेटाबेस चाहिए रेफरेंस उसके बिना काम नहीं चलेगा नहीं तो लूपहोल्स इतने निकालने के लिए कोई ना कोई निकल आएगा यहां पे ठीक है तो ये सेकेंड प्रॉब्लम देखे यहां पे सीजनल फ्लक्चुएशंस इन माइग्रेशन बहुत तो वैलिड पॉइंट है ये एंड आई होप दैट ये स्किप भी हो जाता है माइंड से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया है ठीक है एंड थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा दिस रेगुलरी कंप्लीट कंसेप्ट वुड रिक्वायर इंटीग्रेटेड रेगुलर अपडेटेड डायनामिक सिस्टम्स डू यू एग्री अपडेटेड डायनामिक सिस्टम्स वी डोंट नीड नाउ स्टैटिक सिस्टम्स सब कुछ ई e गवर्नेंस से कंट्रोल होना चाहिए एंड रेगुलरली अपडेट होना चाहिए देर शुड बी स्टाफ टू अपडेट एवरीथिंग यस कितने माइग्रेंट वर्कर्स कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं कितना डिमांड है कहीं पे मीन सब कुछ इससे पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प आएगा ये देखिए एंड फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट कितनी जगहों पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स नहीं है ये देखिए देखिए नॉट ऑल दिस फेयर प्राइस शॉप्स हैव इंस्टॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स वही बात हो रही है वो बायोमेट्रिक स्कैन के लिए तो क्या पीओएस मशीन्स चाहिए सब जगह पे इलेक्ट्रॉनिक पीओएस मशीन्स यस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन वी नीड इट फॉर बायोमेट्रिक्स थंब प्रिंट फॉर आयरी स्कैन जो भी है ठीक है फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट ठीक है फिफ्थ पॉइंट सीडिंग ऑफ राशन कार्ड विद आधार जरूरी है ठीक है देर इज ऑल्सो द इश्यू ऑफ अलाउंग फॉर द अपडेशन ऑफ हाउस होल्ड मेंबर डिटेल्स ऑन द राशन कार्ड एंड सीडिंग ऑफ राशन कार्ड विद आधार तो होम स्टेट ही ये करता करेगा राशन कार्ड और आधार की सीडिंग होम स्टेट क्यों करेगा जहां आपका एड्रेस है दैट सेट और ये क्या जरूरी है बिल्कुल जरूरी है दैट सेट पांच बड़े ठीक है पांच बड़े इश्यूज पहला इशू we need a migrant real-time database. yes, we need it. second, we need research over supply and demand of food grains because of seasonal fluctuations. second point. third, we need dynamic systems, updated systems. fourth, we need point-of-sale machines at all the fair price shops. fifth, we need Aadhaar and russian card interlinking. बात समझ में आ रही और इसमें जोड़ लीजिए सिक्स पॉइंट ठीक है रिमोट एरियाज में यू नीड नेटवर्क ऑल्सो ठीक है वाईफाई कनेक्टिविटी पावर कनेक्टिविटी बहुत सारी चीजें हैं ठीक है जोड़ लीजिए इसमें ये लेकिन पांच चीजें इसने बताया है एंड आई वाज सरप्राइज एट द सेकंड पॉइंट वेरी गुड पॉइंट ये सबसे बेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये देखिए ये शायद सब कोई लिखेगा नहीं आप लिखोगे गेट द मार्क्स सो डोंट यू थिंक दीज आर फाइव थिंग्स दैट शुड बी टैकल्ड टैकल्ड

विथ नो ऑब्स्टिकल्स ठीक है तो इसमें जोड़ दीजिएगा और भी समस्याएं लेकिन ये समस्याएं वाजिब है अच्छे वर्ड्स आए यू विल यू विल गेट मार्क्स ओवर दिस सो टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आई सपोज नाउ एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स पढ़ना इंटरेस्टिंग लग रहा है ठीक है जब लग रहा है कि हाँ पॉइंट्स मुझे पता है पांच पॉइंट तो दिया है पेपर में ठीक है ठीक है द थर्ड पॉइंट इज रेगुलर अपडेटेड डायनामिक सिस्टम ठीक है क्योंकि हर जब जब माइग्रेशन होगा ठीक है माइग्रेशन होगा तो आज आप आप यूपी में हैं कल महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र कल बॉन्ड करेगा आपका फूड फूडग्रेंस का कॉस्ट ठीक है यूपी बॉन्ड करेगा मींस यूपी को पैसा देना होगा फूड फूडग्रेंस देने होंगे छह महीने छ महीने महाराष्ट्र को डोंट यू थिंक नीड कौन सा स्टेट को कितना ग्रेंस दिया गया है कौन सा स्टेट आपको किस मंथ में ग्रेंस दे रहा We need dynamic systems. <laughs> है वी नीड डायनामिक सिस्टम्स ठीक है सो दिस इज इट तो वाईफाई कनेक्टिविटी भी चाहिए पावर भी चाहिए यस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट के थ्रू इनिशिएट uh, किया गया है रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क ठीक है बट बट ठीक है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ठीक है सेवन पॉइंट देर शुड बी ई लिटरेसी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी एग्री कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन ये पांच पॉइंट भी है तो दैट्स इट स्टूडेंट्स यही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है यही वन नेशन वन राशन कार्ड है दैट्स इट चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड टॉपिक कल ही आया था आज फिर से आ गया द हिंदू में ये देखिए देखिये री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन कल ही आया था एजुकेशन में अब मुझे तो लग रहा है ना कि ये ऐसे आ सकता है इस बार ये ऐसे आ सकता है पता है क्यों देखिए का टॉपिक देखिए री इमेजिनिंग एजुकेशन इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोविड नाइनटीन डोंट यू थिंक एस कैन कम अप ओवर द फॉलोइंग टॉपिक वेलकम अब आप बोलिएगा सर ये आर्टिकल आया री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन और आपने इसको आपने इसको ई पी ओ एस मशीन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन बायोमेट्रिक वाला ठीक है ठीक है बायोमेट्रिक वहां पे थंब प्रिंट स्कैनर दिस ताकि आप आधार आधार कार्ड, आधार कार्ड आधार कार्ड आप ही का है आप ही वो पर्सन है ठीक है उसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इट कैन बी स्टेट स्टेट रिलेश देखिए इसमें देखिए स्टूडेंट्स वन वन नेशन वन राशन कार्ड में स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए स्टेट स्टेट रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए एग्री कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं देखिए यहां पे इस आर्टिकल में केवल टॉक किया गया समस्याओं के बारे में ठीक है समस्याओं के मैं हम लोगों डिस्कशन किया अब इसमें क्या चाहिए वो यू कैन इट इन द कंक्लूजन वी नीड प्रॉपर सेंटर स्टेट रिलेशन वी नीड स्टेट स्टेट रिलेशन वी नीड यूनिटी अमंग्स द स्टेट्स की एक डेटा बेस क्रिएट करें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं आप डालिए है यहां पे बिल्कुल ठीक है आइए आगे, आगे बढ़े सेकेंड आर्टिकल री इमेजिन एग्जामिनेशन बहुत क्रुशल आर्टिकल है अब आप बोलेगा सर ये आर्टिकल आया द हिंदू में री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन आपने इसको हटाकर एजुकेशन कर दिया एजुकेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है व्हाट इज द रीजन ये देखिए और इस पे एस भी देखिए इस बार एक्सपेक्ट कीजिएगा री इमेजनिंग एजुकेशन इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोविड इज अपलोडेड ऑन यूनाइटेड नेशन वेबसाइट यूएन के यूएन के यूएन के एजेंसी के वेबसाइट पे अपलोडेड है री इमेजिनिंग एजुकेशन का एस छोटा सा ऐसे है 500 शब्दों का आपको बड़ा ऐसे लिखना होता है लेकिन वाई नॉट टेक अप द हेल्प ये देखिए गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग द क्रक्स ऑफ दिस री इमेजिनिंग एजुकेशन ये एग्जामिनेशन वाला द हिंदू में आया एजुकेशन वाला यूएन के वेबसाइट पे आया इसका साफ साफ मतलब है दैट एस इज गोइंग टू कम अप दिस कोविड नाइनटीन के बाद शिक्षा में क्या क्या चेंजेस कैसे क्या नया आना चाहिए क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए एग्जामिनेशन uh, से लेकर इवेल्युएशन से लेकर टीचिंग से लेकर ट्रेनिंग से लेकर स्किलिंग से लेकर कैसे कैसे चेंजेस होने चाहिए व्हाट रोल कैन टेक प्ले व्हाट रोल कैन एआई प्ले व्हाट रोल कैन रोबोट्स प्ले सब कुछ यहां पे तो इस पर ध्यान दीजिएगा ये सोचिएगा बहुत सारे आए हैं आर्टिकल्स अभी तक सारे आर्टिकल्स में से कुछ पॉइंट निकाल के यहां लिखना है आई विल टेक अप दिस एस इन वन वीक अपॉन द अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस मैं ये ऐसे लिखवाऊंगा आप लोगों से नो टू वरी लाइव ऐसे राइटिंग होगा बट उसके पहले आपको पिछले सिक्स अप ओवर एजुकेशन आफ्टर कोविड उसमें से पॉइंट्स निकाल के लिख लीजिएगा ठीक है तो है लुक ये अब आप बोलेगा कि ठीक है सर ये री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन में क्या आया है यहां पे ठीक है ये द हिंदू में क्या आया हुआ आज आया हुआ है आज कि एग्जामिनेशन का थोड़ा सा एग्जामिनेशन हमेशा पोस्टपोन करना द आर्टिकल इज फोकसिंग अपॉन पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट द वे इन कोविड नाइन्टीन एग्री कर रहे हैं इट्स नॉट द वे कोई रास्ता ही नहीं है स्पेशली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम पोस्टपोन करना कोई रास्ता नहीं है बिना एग्जाम के पास करना इट्स नॉट द वे आउट इवेल्युएशन इज टू बी टर्न एग्री कर रहे हैं क्या इवेलुएशन से ही मालूम चलता है हु इज सीरियस हुस इवेलुएशन नीड्स टू बी डन अब आप बोलिएगा ठीक है सर इसका मतलब है इवेल्युएशन <laughs> होना चाहिए तो यहां बस लिखा हुआ है री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन री इमेजिनिंग इवेलुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव देखिए लिखा हुआ है और रास्ते आने चाहिए एग्जाम लेने के लेकिन एग्जाम होना जरूरी है भाई ऐसा नहीं कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए ठीक है प्रोमोटिंग इज नॉट दोल्यूशन एंड रिटर्न इट शुड बी मैंडेटरी क्राफ्टेड देखिए न्यू एग्जाम पैटर्न शुड बी क्राफ्टेड वी नीड टू हैव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कब तक शिफ्ट करते रहेंगे एग्जाम इट मस्ट इंक्लूड दिखिए उस एग्जाम में क्या होना चाहिए देखिए फोकस पॉइंट एसेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये देखिए असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आया है कि नई कंसेप्ट टॉपिक्स क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग जो आप करते हैं यूपीएससी में ठीक है ठीक है थर्ड पॉइंट ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देखिए और मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स पता है ऑनलाइन एग्जाम में एक बहुत अच्छा तरीका है एग्जाम लेने का प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही क्वेश्चन दे दिया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडीज आते हैं द केस स्टडीज आर द बेस्ट वे यू नो वाइज कॉपी कोई कर नहीं पाएगा सबको अपने हिसाब से आंसर करना पड़ेगा इसका आंसर कहीं होगा नहीं आर यू गेटिंग द पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हैज बीन इंटीग्रेटेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज लेट मी टेल यू वेस्टर्न कंट्रीज एग्जाम लेने का इससे बेहतरीन तरीका कुछ है ही नहीं क्योंकि कॉपी करने के लिए कुछ है ही नहीं ठीक है <laughs> समझ रहे हैं इस बात को कि स्टडीज दे दो वहां पे ठीक है और हर हर सब्जेक्ट में केस स्टडीज दे दो प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लो बस दैट्स इट एप्लीकेशन चेक कर लो सबसे अच्छा रहेगा ये देखिए इन शॉर्ट इट शुड एसेस एग्री विद मी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट ठीक है और इससे अच्छा ये तो बिल्कुल सटीक समय है सटीक समय है दिस इज द दोप्रिएट टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम मगिंग अप्रोच इन द एग्जामिनेशन एनालिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच जाते हैं means पूरा रट के जा रहे हैं ठीक है है सब हैं पे पे में में भी दिक्कत होती है में। सब कुछ रटे हुए हैं वहां पे। इससे अच्छा है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया जाए दैट एग्जाम शुड टेस्ट अप केस स्टडीज कटिंग द पॉइंट अब इसका मतलब है स्टूडेंट्स दैट uh, लेकिन इसके लिए डोंट यू थिंक टेक का भी अवेलेबिलिटी चाहिए इतना ही नहीं स्टूडेंट्स दैट टीचर्स के अंदर भी स्किल होना चाहिए डू यू एग्री वी नीड द स्किल इन साइड द टीचर्स स्किल इन साइड द टीचर्स टू फ्रेम सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आप बोलेगा सर ऐसे टीचर्स क्या सर स्किल हैं हर जगह हर जगह सर स्किल्स नहीं है यही तो ये आर्टिकल कह रहा है टाइम हैज कम टाइम हैज कम टू इंटीग्रेट मैनी स्टेक होल्डर्स जो लोग सिस्टम के बाहर है उनसे भी उनसे भी हेल्प लिया जाए टाइम कम हैव अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स देखिए स्टेक होल्डर्स अप्रोच ये देखिए लिख लीजिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अप्रोच यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ध्यान दीजिए इंजीनियरिंग के बाद आपको इंडस्ट्री में जाना होता है तो इंडस्ट्री वालों से पूछा जाए कैसा एग्जाम ठीक रहेगा इनके लिए ठीक है मेडिकल uh, के बाद आपको जाना होता है हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से पूछा जाए कैसे एग्जाम उनसे एक एडवाइस लेना चाहिए ह्यूमैनिटीज में आप जहां जहां जाते हैं रिसर्च में तो उसी हिसाब से आपके लिए एक एसेसमेंट का क्राइटेरिया निकलना चाहिए डू यू एग्री असेसमेंट क्राइटेरिया शुड बी टेकन आउट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और सब जगह पे सब जगह ध्यान दीजिएगा आप जब मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं बॉटनी पढ़ते हैं जुआ पढ़ते हैं साइकोलॉजी पढ़ते हैं सोशोलॉजी पढ़ते हैं कहीं तो जाके अप्लाई होता है स्किल्स ठीक है अप्लाई नहीं होता है तो आप अप्लाई करने के लिए तरीके निकालने पड़े सो वी नीड अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच टू डेवलप अ न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया टू डेवलप अ न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया टू डेवलप अ न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बस हो गया इतना ही नोट करना है इससे काफी है इतना एग्जाम कैसा होना चाहिए ये देखिए मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच टू डेवलप अ न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया इवेल्युएट करने का एग्जाम करने का एक नया तरीका बेस्ड अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देखिए ठीक है ऑल्सो ये देखिए यहां पे ऑल्सो एप्लीकेशन स्किल्स देखिए यहां लिखा हुआ है नया क्राइटेरिया कौन से होने चाहिए देखिए वट शुड बी द न्यू इवेल्यूशन क्राइटेरिया द बेसिस ये देखिए यहां लिखा हुआ ट्राई कीजिएगा इसको देखने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या चेक होना चाहिए आई सपोज यू आर गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट इसमें चीटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा मैं बता दूंगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में और अगर रहेगा तो लेट्स टेक अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म ये देखिए टू प्रिवेंट चीटिंग टू प्रिवेंट कॉपिंग लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स क्या एआई का इस्तेमाल यहां हो सकता है ये देखिए इसका मतलब है सेकंड पॉइंट नोट करना है यहां पे रोल ऑफ एआई रोल ऑफ एआई ये देखिए टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म एग्री कर रहे हैं प्लेजरिज्म मींस कॉपी एग्जैक्टली किताब देख कर कॉपी कर लिया ठीक है क्या इतना समझ में आ रहा है बच्चा लोग तो बताइए मुझे <laughs> क्या इतना समझ में आ रहा है क्लियर तो अब इसके लिए भाई थोड़ा सीरियस अप्रोचेस चाहिए एआई का को इस्तेमाल करने के लिए टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म ठीक है एंड सेकेंड मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच टाइम लगेगा एक साल में नहीं होगा चार से पांच साल लगेंगे लेकिन चार पांच साल इनफ है ठीक है शिफ्ट करने के लिए आई होप यू एग्री विद मी फोर टू फाइव इज मोर देन इनफ टू शिफ्ट टू अ न्यू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन बट यस दैट एग्जामिनेशन सिस्टम अगर डेवलप कर दिया गया इट विल काउंटर रोट लर्निंग देखिए काउंटर रोट लर्निंग रटने वाला स्किल्स हट जाएगा ठीक है क्लियर नहीं नहीं देखिए प्लेजरिज्म में AI अगर आएगा ना तो कोई भी बच्चा इतना तेज नहीं है कि ए को भी काउंटर करेगा नहीं ठीक है और अगर कोई बच्चा ए को भी काउंटर कर दिया ठीक है नया तरीके का चीटिंग किया तो उसको तो अलग से रखना पड़ेगा भाई कि आ जाओ इतना दिमाग है कहीं और इस्तेमाल करो ठीक है तो ये देखिए बस यहां पे री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन पे लिखा हुआ है टू थिंग्स ठीक है टू थिंग्स फर्स्ट थिंग आई ड्रीव द फ्लो चार्ट आउट है मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच सेकेंड थिंग रोल ऑफ ए आई तो ये एक एग्जामिनेशन का है और ये देखिए ये यूनिसेफ के वेबसाइट पे ये देखिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ठीक है यूनिसेफ के वेबसाइट पे ठीक है यूनिसेफ के वेबसाइट पे देखिए ये लिखा हुआ था दैट री इमेजनिंग एजुकेशन देखिए यहां पे किन चीजों पे फोकस होना चाहिए देखिए ये भी जरूर से याद कीजिएगा ऐसे में ये कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है ठीक है यूनिसेफ hmm. के वेबसाइट पर लिखा हुआ था यहां लिखा हुआ है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कैन कम अप टुगेदर इन एजुकेशन सेक्टर यस री इमेजिन एजुकेशन इनिशिएटिव ये देखिए दे कैन टारगेट वनरेबल चिल्ड्रेन दे कैन टारगेट एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड एंड यंग पर्सन दे शुड हैव अ फंडिंग एंड डिसीजन मेकर शुड फोकस अपॉन इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट ये देखिए दैट्स इट ठीक है तो ये बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट निकल गया यहां से काफी है चलिए आगे बढ़े अब थोड़ा चलते हैं डिटेल आर्टिकल की थी तरफ ठीक है एक बहुत अच्छा आर्टिकल है अब मल्टीलैटरल फोर्स फॉर गुड फ्रांस एंड इंडिया पार्टनरशिप बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस द द पर्सन इज एम्बेसिडर इन इंडिया एम्बेसिडर ऑफ फ्रांस इन इंडिया ये देखिए इमेनुअल रिटर्न अ मल्टीलैटरल फोर्स फॉर गुड ही अबाउट इंडिया फ्रांस रिलेशंस. ये देखिए इंडिया फ्रांस रिलेशंस ये क्या लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस बहुत आगे बढ़ रहे हैं रिलेशंस में एंड ये केवल दोस्ती बायलैटरल स्तर पे नहीं है फोरम्स पे भी है मल्टीलैटरल फोरम्स पे एंड वट बेटर फोरम देन यूनाइटेड नेशन यूएन यू एन सिक्योरिटी काउंसिल चलमी स्टूडेंट्स क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप जानते हैं फाइव परमानेंट मेंबर्स क्या उसमें फ्रांस है चलमी ठीक <laughs> है एंड क्या उसमें इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में गया है इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ये देखिए ये देखिए इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फ्रांस एज ए परमानेंट मेंबर और ध्यान दीजिए यह देखिए न्यूज आया था लुक है लुक अबाउट यूएन इंडिया टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जुलाई में फ्रांस अगस्त में इंडिया यह देखिए प्रेसिडेंटशिप सिक्योरिटी काउंसिल का एक एक महीने का प्रेसिडेंटशिप मिलता है ठीक है इंडिया अलॉन्ग विद नॉर्वे ध्यान दीजिएगा इंडिया दिस कैन कम इन प्रेम्स इंडिया नॉर्वे आयरलैंड मैक्सिको एंड केनिया ये देखिए मैक्सिको एंड कीनिया ठीक है इंडिया नॉर्वे आयरलैंड मैक्सिको एंड कीनिया एक साथ चूज हुए हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ये देखिए इन सिक्योरिटी काउंसिल अब सिक्योरिटी काउंसिल में कितने टोटल मेंबर्स हैं फाइव प्लस फाइव आर परमानेंट टेन आर नॉन परमानेंट ठीक है और ये टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स को दो साल का टेन मिलता है आई होप यू एग्री टू टाइम्स सॉरी टू ईयर टेनियोर ये देखिए दो साल के बाद निकलिए बाहर ठीक है परमानेंट क्या होता है जीवन भर वहीं पे रहेंगे सो दिस वाज़ द न्यूज एंड एंड सिक्योरिटी काउंसिल द मोस्ट पावरफुल एजेंसी ऑफ यू ये देखिए यूएन का सबसे ज्यादा क्रूशल सिक्योरिटी काउंसिल ये देखिए फाइव परमानेंट मेंबर्स टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स इस सिक्योरिटी काउंसिल को हर मंथ एक एक कंट्री लीड करता है दैट कंट्री इज नोन एज द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट इज प्रेसिडेंटशिप रोटेट्स ऑन अ मंथली बेसिस ये देखिए तो पंद्रहों कंट्रीज एक जुलाई में फ्रांस आएगा अगस्त में कौन आएगा इंडिया ये देखिए तो अब अब आप बोलेगा सर ये प्रेसिडेंटशिप से क्या मतलब सर जब इंडिया को वीटो पावर से नहीं है ठीक है इंडिया परमानेंट मेंबर ही नहीं है अब क्या कीजिएगा ठीक है लेकिन फिर भी मीन्स अब जो नहीं है वो नहीं है लेकिन फिर भी आर्टिकल ये बोल रहा है कि फ्रांस और इंडिया दोनों कुछ चीजों में एक मत हैं दे आर दे हैव सम कॉमन आइडियाज यस कॉमन आइडियाज कॉमन थॉट्स एंड दे कैन हेल्प दे कैन हेल्प इन प्रोमोटिंग दीज थॉट्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कौन सा थॉट आइए देखते हैं आइए देखते हैं कौन सा थॉट है थी? ठीक है देखिए यहां पे द प्रेसिडेंसी हैज रोटेटेड एवरी मंथ सिंस इट्स इट्सिशमेंट इन 1946 एंड द प्रेसिडेंट सर्व्स टू कोऑर्डिनेट प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सर्व्स टू कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑफ द काउंसिल तो इंडिया कोऑर्डिनेट करेगा एक्शंस डिसाइड पॉलिसी डिस्प्यूट्स एंड एंड फंक्शंस एज इंटरमीडियज बिटवीन टू कंफ्लिक्ट ग्रुप्स तो इंडिया को अगस्त में बहुत धर्म संकट पड़ने वाला एक तरफ यूएस एक तरफ चाइना क्या दो ग्रुप्स हैं मी ये देखिए इंडिया को दोनों को मीडिएट भी करना होगा ओके ओके सर तो ये फ्रांस क्यों इतना टॉप कर रहा है इंडिया के बारे में आइए देखते हैं फ्रांस के अम्बेसडर कह रहे हैं इंडिया और फ्रांस अच्छा काम कर सकते हैं किस फील्ड में मल्टी प्रमोट करने में वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर प्रमोट करने में आइए देखते हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ठीक है लेट्स सी बट इनफैक्ट म्ड फ्रांस सपोर्ट्स इंडिया इफ रिफॉर्मड यू एन सिक्योरिटी काउंसिल्म प्रोसेस आइए देखते हैं यहां पर फ्रांस एंड इंडिया ये देखिए सबसे पहला चीज दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं किस चीज में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स बोथ वॉन्ट सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स फ्रांस वॉन्ट्स द एंट्री ऑफ फोर कंट्रीज ये देखिए ये कह रहे हैं फ्रांस फ्रांस वॉन्ट्स द एंट्रीज ऑफ फोर कंट्रीज कौन से चार देश देखिए लिखा हुआ यहां पर है्राजील एंड इंडिया ये चार देश ग्रुप बनाए हुए हैं दैट हमें भी परमानेंट मेंबर का पद दिया जाए इंडिया जर्मनी ब्राजील एंड जापान पता है आपको जी फोर के बारे में टर्मी यस यस प्रेसिडेंट पंद्रह कंट्रीज के पंद्रह कंट्रीज को बारी बारी से मौका मिलता है ठीक है ठीक है आज फ्रांस कल इंडिया परसों रशिया फिर चाइना फिर नॉर्वे ऐसे करके जो भी वहां पे है ऑल फिफ्टीन कंट्रीज गेट अ चांस ठीक है तो क्या देखिए फ्रांस फ्रांस इज टेलिंग द इज टेलिंग फ्रांस वॉन्ट्स रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया के साथ है फ्रांस हम लोग लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं इस फील्ड में इज फ्रांस सपोर्टिंग इंडिया यस ये देखिए ये देखिए पहला सेकंड पॉइंट फ्रांस कह रहा है इंडिया बहुत अच्छा देश है इंडिया इज टैकलिंग टेररिज्म इंडिया इज टैकलिंग इंडिया प्रोमोट्स इंटरनेशनल लॉ इंडिया प्रोमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी इंडिया प्रोमोट्स ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्सिस इंडिया बहुत अच्छा देश है इंडिया इज टैकलिंग काउंटरिंग टेररिज्म ये देखिए क्या टेररिज्म काउंटर करने के लिए एक वो फोरम भी बहुत अच्छा हो सकता है yes. यस चाइना पे दबाव डालने के लिए लेट मी टेल यू जब मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था एंड चाइना वॉज विच ब्रॉट बैक द रेजोल्यूशन अगेन फ्रांस कह रहा था टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट होता है कहीं का भी टेररिस्ट हो एंड इट वॉज फ्रांस विच वॉज फिनोमिनल इन डिक्लेयरिंग मसूद अजहर एज ए इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड थर्ड पॉइंट इसके बाद थर्ड पॉइंट फ्रांस इंडिया हैज ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ये देखिए ह्यूमन सेंट्रिक रेस्पॉन्स ये देखिए इंडिया सबको सपोर्ट करता है अफ्रीका को भी बहुत सपोर्ट करता है एंड इन एंड इज दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा है इंडिया तीसरा पॉइंट ठीक है फोर्थ पॉइंट ये देखिए फोर्थ पॉइंट फ्रांस फ्रांस इज वी सपोर्ट इंडिया कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म लेटरलिज्म इंडिया ने यह शब्द दिया है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म ये देखिए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म इसका मतलब क्या है इंडिया कह रहा है कि अब सबको बराबर का दर्जा दिया जाए समय आ गया है पूरे विश्व में सारे देशों को बराबर का दर्जा ठीक है और इसके लिए रिफॉर्म रिफॉर्मिंग प्रोसेस शुड बिगिन फ्रॉम द यूएन यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्मिंग प्रोसेस शुड बिगिन ये देखिए और ये देखिए फिफ्थ पॉइंट फेवर्स द एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन बोथ कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप परमानेंट एंड नॉन परमानेंट फ्रांस कह रहा मैं रेडी मुझे एक रत्ती का चिंता नहीं है चिंता है चाइना को चिंता है यूएस को मुझे चिंता नहीं है मैं चाहता हूं इंडिया की एंट्री हो जाए एज अ Permanent member and it, France is saying we want a expanded council of उंसिल ऑफ ट्वेंटी कह रहा है पच्चीस लोग रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा अभी पंद्रह लोग हैं ठीक है? है और फिर पंद्रह लोग नॉन परमानेंट ठीक है और इससे अच्छा रहेगा द होल वर्ल्डेंटेड इसी को तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड कहते हैं द होल represented ये देखिए ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये देखिए अब आप बोलिएगा सर दस परमानेंट प्लस पंद्रह नॉन परमानेंट अगर ऐसा कंसेप्ट रहेगा तो सर नॉन परमानेंट में कौन आएगा अफ्रीकन कंट्रीज पे फोकस है ये देखिए अफ्रीकन कंट्रीज को ये बोल रहे हैं फ्रांस वांट्स अफ्रीका इनसाइड द सिक्योरिटी काउंसिल फ्रांस सेज दैट अफ्रीका इज अंडर रिप्रेजेंटेड अनरिप्रेजेंटेड देखिए लाइक इंडिया वी ऑल्सो डिजायर एन प्रेजेंस ऑफ अफ्रीका इन द परमानेंट मेंबर्स ये देखिए एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स साउथ अफ्रीका कैन कम अप एज अ परमानेंट मेंबर ये देखिए बस सारी अच्छी अच्छी बातें यहां पे फ्रांस इंडिया रिलेशनशिप ये देखिए फ्रांस के एम्बेसडर कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट इंडिया कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मिंग मल्टी नैटरलिज्म प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस ंग ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्स काउंटरिंग टेररिज्म देखिए ठीक है एंड ऑल्सो रिफॉर्म मल्टी लेटरिज्म अफ्रीक इन साइड दिटी काउंसिल ठीक है अब जो भी वजह हो ठीक है लेकिन दोस्ती आगे बढ़ रही है एंड देखिए यहाँ पे दिस दिस रिक्वायर्स रिफोर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिलेडली मैं फ्रांस की तरफ से अब सवाल तो यहां देखिए लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम दैट वी मूव फॉरवर्ड विद दिस रिफॉर्म समय आ गया हमें रिफॉर्म करना जरूरी है एंड uh, देखिए यहां पे लिखा हुआ है दैट रिफॉर्म्स uh, uh, होने चाहिए अंदर में प्रोसीजर्स में भी रिफॉर्म्स प्रोसीजर्स में ये देखिए प्रोसीजर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वी नीड रिफॉर्म्स इन दैट ऑल्सो ठीक है तो चलिए यही है स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे अब एक सवाल तो बनता है यहाँ पे फ्रांस कह रहा है इंडिया बहुत अच्छा देश है सिक्योरिटी काउंसिल में जुलाई में मैं संभालूंगा सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप अगस्त में इंडिया आएगा एंड इंडिया कैन कंट्रीब्यूट एलाबोरेट एज टू हाउ इंडिया इंडिया बींग अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर है नहीं मेंबर तो है कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोमोटिंग मल्टी एंड वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर इंडिया कैसे प्रमोट कर सकता है ठीक है यही जो इन्होंने लिखा है देखिए इंडिया प्रमोट कर सकता है बाई सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में टॉक्स शुरू करके अफ्रीका को जगह देकर टेररिज्म की को काउंटर करने के लिए स्टेप्स लेकर ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्स पे फोकस करके इंडिया प्रेसिडेंटशिप में रहेगा इंडिया जो बोलेगा बाकी लोग कम से कम यस तो करेंगे बात तो मानेंगे यस यस यूएस का अप्रोच बहुत ही इनसिक्योर टाइप का इंडिया के परमानेंट मेंबर में एंट्री में ठीक है यूके एंड फ्रांस हैव सेड दैट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है पहले हमें फर्क पड़ता था अब हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमसे मींस दो कंट्रीज आर अनएबल टू मैनेज यस वी नीड अदर कंट्रीज ऑन बोर्ड सेम एज जैसे जी सेवन की जगह पे अब जी ट्वेंटी आ रहा है धीरे धीरे एग्री कर रहे हैं टर्मी तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में फर्क होता है ठीक है ये देखिए सिक्योरिटी काउंसिल इज लाइक अ कैबिनेट सुना आपने है आपने कैबिनेट वर्ड ठीक है एंड जनरल इज लाइक अ पार्लियामेंट ये देखिए ये पार्लियामेंट होता है ये यहां पे एक सौ तिरानवे देश है ये देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में केवल पंद्रह देश कैबिनेट टॉप मोस्ट कंट्रीज तो बस दैट्स इट स्टूडेंट्स विल यू ट्राई टू राइट दिस अब देखिए यूएन में ऐसे भी अच्छी अच्छी बातें ही हैं ये देखिए ठीक है यू यु, एन का एम क्या है इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना सिक्योरिटी प्रोमोट करना डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग्स नेशंस, अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमनिटेरियन एड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब बड़ी बड़ी बातें जो यू अभी यू में प्रॉब्लम्स हैं एग्री कर रहे हैं यूएन ज नॉट डिलीवरिंग ऑल दीज थिंग्स आई होप यू एग्री सिक्योरिटी काउंसिल एंड यू हैज़ ओवरऑल फेल्ड कंप्लीटली ऑलरेडी इस पर टॉक्स हो चुके हैं बहुत कमियां हैं कोई ठीक से काम कर ही नहीं रहा अगर कोई ठीक से काम करता तो न आज मुद्दा उठता कोविड नाइन्टीन में प्रॉब्लम्स का और न आज कोई मुद्दा उठता अफ्रीका में टेरिज्म का कहीं पर भी ठीक है <laughs> नहीं तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए थोड़ा स्टेटस होना जरूरी है ठीक है हेल्प करना जरूरी है इंडिया इतना दिन से हेल्प कर रहा अब कोई भी नहीं चला जाएगा वहां पे ठीक है कि नहीं मेरा मन करा सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का इंडिया का मन करा इवन आई आल्सो वांट टू गो ऐसा नहीं होता है ठीक है इंडिया के लिए 15 इयर्स से 15 साल से कंट्रीज बोल रहे हैं ठीक है दैट यस इंडिया शुड कम अप एक्सेप्ट यूएस एंड चाइना दे हैव केप्ट देव साइलेंट चाइना एज अपोज ओपनली तो ट्राई कीजिएगा इसको लिखने का इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है मल्टी प्रमोट करने में वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर प्रमोट करने में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा लॉ एंड ऑर्डर सबको एक नियम फॉलो करें क्या इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ ची रूल ऑफ लॉ सुना है आपने कानून के सामने सब कोई बराबर है अभी नहीं है ऐसा वर्ल्ड में अभी कानून के सामने यूएस बराबर नहीं है चाइना बराबर नहीं है चाइना एंड यूएस से मेरे को साइड करके सारा नियम का बात करो गेटिंग द पॉइंट दिस इज द वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर वी नीड द रूल ऑफ लॉ ना कि कानून के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए सो दिस इज इट स्टूडेंट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आई सपोज ये तीन सवाल आपको दे दिया मैंने आज ये देखिए ये देखिए पहला सवाल इश्यूज इन द राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड

मोस्ट पावरफुल कंट्री चाइना इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री एक बार पावर आ जाए पावर करप्टर करप्टोर दिस ठीक है सो दिस इज इट डाउन टू अर्थ सेवल एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है एलबीडो पावर क्या एलबीडो पावर पे कल मैंने कहा था आपको पढ़कर आने के लिए एलबीडो इज द पावर टू रिफ्लेक्ट बैक द सोलार रेडिएशन ये देखिए सोलार रेडिएशन तो क्या आइस का आइस का एल्बिडो पावर ज्यादा होता है ये देखिए 80 परसेंट अगर आइस के ऊपर देखिए डाउन टू तो ये मैंने उठाया है आइस के ऊपर अगर सोलर रेडिएशन आएंगे टेन रेडिएशन तो आठ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सुना होगा आपने व्हाइट बॉडी रिफ्लेक्ट मोर ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब्स मोर आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में ठीक है ठीक है डाउन टू तो अर्थ मैगजीन है ये ठीक है ये लास्ट टॉपिक है तो व्हाइट बॉडी और स्नो उसमें स्नो देखिए 80% परसेंट एलबीडो एलबीडो पावर टू रिफ्लेक्ट ये देखिए तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है साफ 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 लिखा हुआ है आर्टिक क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स आइस था पहले आइस था ना जर्मी तो आइस था पहले अब आइस की जगह वाटर आ गया है तो पहले आइस के कारण क्या ध्यान दीजिएगा क्या आइस के कारण मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे टेलमी मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग बैक आई होप यू एग्री ठीक है देखिए दस हंड्रेड में से एटी परसेंट देखिए अब पानी हो गया वहां पे अब सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग बैक वो ऑब्जॉर्व हो रहे हैं हो रहे हैं क्या ये एक बड़ा चेंज है क्वेश्चन आठ टेमी इज दिस दिसग चेंज एंड दिस इज वाई इट इज वार्मिंग फास्टर इट इज वार्मिंग फास्टर क्योंकि जो पहले सन रेडिएशन वापस चले जा रहे थे स्पेस में अब वो वॉटर अब्जॉर्ब कर रहा है वहां पर इट इज मेल्टिंग फास्टर इट इज है अर्थ ये देखिए अब आप बोलेगा सर इस ये क्यों सर रीजन क्या है इसका यह देखिए स्टूडेंट इसके पीछे रीजन क्या है देखिए रेस्ट ऑफ द अर्थ रेस्ट रिमेनिंग अर्थ में पहले भी वॉटर था ओशंस में अभी भी वाटर है लेकिन आर्टिक ओशन में पहले आइस था अब वाटर हो गया है क्या आर्टिक ओशन में ज्यादा मेल्टिंग होगी क्या आर्टिक वार्मिंग होगी आर्टिक ओशन इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट ये देखिए ठीक है इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बस वार्मिंग फास्टर होगा ये देखिए पहले एट्टी परसेंट रेडिएशन वर गोइंग बैक अभी ओनली फोर्टी परसेंट इज गोइंग टेन परसेंट देखिए वाटर का कितना है 10 ही only 10 is going back. 90 हो रहा है पृथ्वी पर क्या था पहले भी वाटर था नाइन्टी परसेंट ऑब्जॉर्बन था आज भी नाइनटी परसेंट है लेकिन आपके ओशन में बड़ा चेंज है तो यहां से में सवाल आ सकता है सेकंड क्या एल्बिडो पावर स्नो का हाईएस्ट होता है यस एट्टी परसेंट क्या वाटर का लोएस्ट होता है यस टेन परसेंट देखिए देखिए स्नो टेन परसेंट वाटर रिफ्लेक्टेंस पावर तो यही है स्टूडेंट्स आज का डाउन टू तो अर्थ में से स्नाइपेट जून एक से पंद्रह तक के डाउन टू तो अर्थ में से मैंने ये पुट पुटअप किया है ये देखिएगा पढ़ दीजिएगा एलबीडो क्या होता है पढ़ लीजिएगा

पिकअप क्या करना है ठीक <laughs> है तो ये देखिए स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर आइए ठीक है, है. अन अकेडमी स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा धन्यवाद सुनने के लिए मुझे एंड जय हिंद बी प्राउड टू बी इंडियन सिटीजन एंड यस गिव योर बेस्ट टूडे आज एक जुलाई दो से दोबारा यह दिन नहीं आने वाला आपके जीवन में आज को मैक्सिमाइज कीजिए यूटिलाइज कीजिए गिव योर बेस्ट टुडे एंड आई विल पुट अप इन वन आवर द पीडीएफ ऑफ बोथ ऑफ सेशंस टेक केयर